खबर मिर्जापुर से है, जहां विधानसभा 96-95 के उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी एडवोकेट भीमराव गौतम ने भीम सेना के बैनर तले डॉक्टर सनाउल्लाह खान की अगुवाई में दिनांक 6 मई 2023 को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक बाइक रैली निकालकर विरोधी पार्टियों की नींद खराब कर दी है। लगभग 2 किलोमीटर लंबी बाइकों की कतार को देखकर क्षेत्र में जगह जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। चुनाव आयोग व प्रशासन की देखरेख में निकाली गई बाइक रैली की शुरुआत निर्दलीय प्रत्याशी एडवोकेट भीमराव गौतम के घर से शुरू होकर कोटरा, मिसरान, कोटरा, कंतित, दुगौली, खौरा, भैरूपुर, नगवासी, हरगढ़ बाजार, काशी सरपति, पाली, सुमतिया, जिगना, बिसडा, नरोइया बाजार, फुलवरिया, मनीकठा, नएपुर होते हुए में जाग समाप्त हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज, आजाद भारत की आवाज। मैं हूं संतोष कुमार दुबे, टीवी वन इंडिया न्यूज से। जैसा कि आप जानते हैं, भीम सेना के युवा कारिणी अध्यक्ष लगातार रैली का जुलूस आपको दिखा रहे हैं। आप सामने से देख सकते हैं गाड़ी जा रही है और गाड़ियों का जुलूस लगातार देखने को आपको यहाँ पर मिलेगा। गाड़ियों की कतार काफ़ी लंबी देखने को आपको मिलेगी और जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही लंबे पैमाइश पर गाड़ियों का कतार देखने को यहां पर मिल रहा है और लगातार जुलूस बहुत ही लंबा, अभी तक जुलूस का अंत नहीं हुआ है। लगातार गाड़ियां आ भी रही हैं, पीछे से प्रशासन भी लगी हुई है। अभी देख सकते हैं एक बटालियन आगे निकली है, दूसरी बटालियन फिर से आ रही है। जैसा कि आपने देखा, अभी अभी गाड़ियों का लंबी लंबी कतारें देखने को यहाँ पे मिला। जनता से लगातार गुहार लगा रहे हैं, एक बार मुझे पुनः प्रत्याशी के रूप में 96 की धरती से निकाला जाए। मैं समाज के लिए तन मन धन से सेवा करूंगा। धन्यवाद। टीवी वन इंडिया न्यूज से संतोष दुबे की रिपोर्ट, मिर्जापुर।